और बड़ी खबर आ रही है लॉरेंस गैंग के खात्मे के प्लान का खुलासा हुआ है। गैंगस्टर कौशल चौधरी ने लॉरेंस गैंग के खात्मे का प्लान बनाया। अमेरिका में बैठे गैंगस्टर पवन शौकीन ने लॉरेंस के खात्मे का ऑर्डर दिया है। पवन शौकीन गैंगस्टर कौशल चौधरी के लिए काम करता है। कौशल और लॉरेंस एक दूसरे के जानी दुश्मन है। दिल्ली के रानीबाग इलाके में बिजनेसमैन के घर 7 राउंड फायरिंग मामले में पकड़े गए 2 शूटर से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। और सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में यह फायरिंग अमेरिका में बैठे कुख्यात गैंगस्टर पवन शौकीन ने करवाई थी। पवन शौकीन ने ही दोनों शूटरों को दिल्ली में बिजनेसमैन के घर की रेकी करके फायरिंग करने का ऑर्डर दिया था। बिजनेसमैन ने फिरौती उनसे मांगी गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फिरौती के जरिए पैसा जुटाकर कौशल चौधरी अपने गैंग को और मजबूत करना चाहता था। नीरज गौड़ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए प्रत्युष, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से रानीबाग इलाके में एक व्यापारी के घर पर जो है फायरिंग की गई थी, जिसमें कि नाम निकल करके सामने आया था जो कि लॉरेंस बिश्नोई का एंटी गैंग है, जिसमें कि देवेंद्र बम्बैया गैंग का नाम सामने आया था, जिसके लिए कौशल चौधरी नाम का जो बड़ा गैंगस्टर है जो कि इस वक्त भोंसी जेल में बंद है, जिसको कि हमारी जो एजेंसियां हैं वो थाईलैंड से डिपोर्ट कर करके जो है भारत लेकर के आई थी। ये जो बातें निकल करके सामने आ रही है कि जो कि कौशल चौधरी है वो एक बड़ा गैंगस्टर है और वो जो है लॉरेंस बिश्नोई को मारने का पूरा जो प्लान है उसकी तरफ से किया जा रहा है। इसके लिए जो कि लॉरेंस बिश्नोई है वो भी जानता है कि आखिरकार में लॉरेंस बिश्नोई का अगर कोई एंटी जो गैंग है वो है कौशल चौधरी, और कौशल चौधरी ही से ही लॉरेंस बिश्नोई को जान का खतरा है, और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर नहीं आना चाहता है, वो अपने आप को जेल के अंदर ही महफूज जो है रखना चाहता है। वहीं इसी के साथ ही इस पूरे मामले में जो कि कौशल चौधरी है उससे भी लगातार जो कि अदावत इतनी बड़ी है, अदावत इतनी बड़ी है और ऐसा प्लान इन्होंने तैयार किया, तो आने वाले समय में इन दो गैंगस्टर के गैंग के बीच में एक गैंगवार भी देखने को मिल सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से अभी पिछले कुछ जो है महीनों के दौरान जो है दोनों जो कि गैंग है उनकी तरफ से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया गया है, जिस तरीके से जो कि सिद्धू मूसेवाला था जब उसका मर्डर किया गया था, जो कि उसे गोली मारी गई थी, तो उस दौरान भी जो है कौशल चौधरी ने एक पोस्ट किया था और इसका अंजाम भुगतने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को कहा था, और जो है क्योंकि इसमें तमाम बातें निकल करके सामने आई है। इसी के साथ ही मैं आपको बताऊं कि इसमें एक नीरज जो कि फरीदपुरिया है वो भी इस पूरे गैंग को लीड कर रहे हैं, देवेंद्र बम्बैया गैंग को, और इसी तरीके से कौशल चौधरी जो है वो एक बड़ा गैंगस्टर है जो कि गुरुग्राम की भोंसी जेल में बंद है, और उसका एक खास गुर्गा है जो कि इस वक्त विदेश में बैठा है, यूएस में बैठा है, और उसी के इशारे पर जो कि उसके शूटर्स हैं कौशल चौधरी के, वो उसको आदेश देता है जेल से, और उसके बाद में पवन शौकीन जो है उसके आदेश को अंजाम तक पहुंचाता है, क्योंकि जिस तरीके से रानीबाग में भी अभी एक व्यापारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी उसमें नाम जो है कौशल चौधरी का निकल करके सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए और जानकारी के लिए नीरज। Zee News।